Assalamualaikum. लो जी बच्चों आज चैप्टर नंबर ट्वेल्व और ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसकी हमने करने हैं जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और स्मार्ट सिलेबस वाले करने हैं अच्छा इसको करने से पहले ना एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ आप लोग देख लें ये एक छोटा सा कंसेप्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर सवाल में ये चीज़ यूज़ होनी है तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखेंगे ना तो सवाल बेहतर आप कर सकेंगे देखें जब हम एक लेंस रखते हैं ना ये मैं अपने अपनी तरफ से लेंस बनाने की कोशिश की है ये शीशा है लेंस है ठीक है अब इसके सामने यहाँ पे हमने एक कोई चीज़ रखी हुई है ठीक है और ये जो चीज़ रखी हुई है ना इसकी जो हाइट होती है इसकी जो ऊंचाई है वो एच नार्ड होती है ये याद रखना है और ये जो चीज़ है वो हमारे लेंस से कितने फासले पर है ये पी होता है इसको भी हमें जेहन में रखना है पी पी फासला होता है लेंस का और उस चीज़ का जिसके वो हम कर रहे हैं काम उसका और लेंस के पीछे जहाँ पे इमेज बनती है ये इमेज भी हमने बनाई हुई है तस्वीर बन रही है जी इस चीज़ की और वो जो तस्वीर है उसकी जो हाइट बनेगी वो एच वन ज़ाहिर है वो कम ज़्यादा हो सकती है एच नॉट से आगे पीछे हो सकती है वो थोड़ी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है तो उसको हम एच कहते हैं और अगेन इसका फ़ासला जो है तस्वीर का फासला लेंस से वो उसको हम क्यू कहते हैं ठीक है ये पी और क्यू बहुत दफ़ा इस्तेमाल होने हैं और एक होता है एफ़ फोकल लेंथ फोकल पॉइंट फोकल लेंथ होता है कि ये जो फोकस वाला पॉइंट है ना जिस पॉइंट पे चीज़ फोकस होती है उसकी उससे लेके तो लेंस तक का जो फ़ासला है वो कितना है ये फोकल लेंथ होती है तो ये चार पांच चीज़ें जो है ना इन्होंने बार बार सवालों के अंदर आना है इस्तेमाल होना है तो ये ज़रा हमारे जहन में होनी चाहिए ओके अब सवाल पे आ जाते हैं 12.1 क्वेश्चन है ठीक है जी इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से दिया हुआ है तो ये मैं साथ बुक जो है हाँ बुक अपनी अपनी साथ अगेन वही बात उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो भी अपनी बुक साथ रख लें मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली है तो मैं यहाँ से पढ़ कर सुना दूँगा आप लोगों को तो ये आ, अपनी जो है बुक ज़रूर रखें साथ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी अच्छा जी पहला क्वेश्चन जो है कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है चीज़ है टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर है साइड पर लिख लें कन्वेक्स है और उसके सामने हमने कोई चीज़ रखी है दस सेंटीमीटर उससे दूर तो जाहिर है कि वो जो चीज़ रखी जाती है लेंस से वो ज़ाहिर है पी होगा उसका फासला किसी चीज़ का किसी ऑब्जेक्ट का लेंस से जो फासला है वो पी होता है ये उसने दिया हुआ है फॉर्म्स एन इमेज फाइव सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर तो इमेज जो है वो कितनी दूर बन रही है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करवाएंगे और ये याद रखना है जब कन्वेक्स का मिरर होगा ना तो हमने क्यू को माइनस में लिखना होता है तो ये फिर जाहिर है इसको साथ ध्यान रखना होता है ये हो गया फिर कहता है वट इज़ द फोकल लेंथ एफ़ जो है वो कहला मलूम करें तो देखें ये तीन चीज़ें ही बार बार यूज़ होती हैं पी क्यू और एफ़ और इन तीनों का ये बुनियादी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अहम फार्मूला है हर सवाल में इस फार्मूले ने इस्तेमाल होना है तो ये हमें ज़ाहिर है कि याद होना चाहिए वन ओवर एफ बराबर होता है वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू असल में ये सारे बटों में है चीज़ें तो हमें फिर हल भी इसको इसी तरह से करना है तो हम क्या करेंगे पी और क्यू की वैल्यू ले लेंगे तो पी की कीमत थी दस क्यू की वैल्यू थी पाँच लेकिन क्यूँ चूँकि माइनस में हम ले रहे हैं कन्वेक्स लेंस की वजह से तो इसलिए यहाँ माइनस लगा लेंगे अब आपके सामने ही है बटे हैं तो बटे जब भी होते हैं ओवर तो हमें फिर एल्सीयम लेना होता है पाँच और दस का एल्सीय दस आना है क्योंकि पाँच जो है वो दस को डिवाइड करवाता है पूरा पूरा तो दस हमारा एलसीएम हो जाएगा अच्छा अब जब एलसीएम ले रहे हो तो रूल क्या होता है नीचे वाली टर्म अगर एक जैसी है तो ऊपर वाली जो जो भी रकम हो वो आ जाती है ऐसे ठीक है और इधर से अगर आपने पढ़ना है फाइव टू ज़ा टेन पाँच का टेबल पढ़ेंगे टू आएगा टू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई टू वन ज़ा टू इस तरह से आ जाता है और ये आप कैलकुलेटर पर कर पे करके देखें तो एक में से दो माइनस करेंगे तो माइनस एक आ जाएगा तो चूंकि ये एक बटा एफ़ है तो इधर भी एक बटा दस है तो हमें तो एफ़ चाहिए तो हमने इस रकम को भी उल्टा देना है इसको भी उल्टा देना है तो एफ़ किसके बराबर हो जाएगा दस के लेकिन माइनस भी साथ हार है तो माइनस भी साथ लिख दें उसको तो ये हमारा आंसर आ जाएगा तो कैलकुलेशन आसान है सिर्फ आपको क्या करना है फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस है तो हमें Q को माइनस में लिखना है अब आ जाएँ 12.2 पे ठीक है जी इसके भी सवाल पढ़ के देख लेते हैं ओके जी तो इसमें कहते हैं एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टाल अब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रहा है तो जाहिर है मैंने अभी आपको बताया कि हाइट को आप एच नॉट से रिप्रेजेंट कराएंगे 30 सेंटीमीटर है इज़ लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर वो और लेंस से वो कितनी दूर है दस या पाँच तो पी जाहिर है दस या पाँच लेंस से बॉडी की चीज़ की जो दूरी है वो क्या होगी पी से रिप्रेजेंट होगी ठीक हो गया और फिर आगे वही कह रहा है कि उसकी फोकल लेंथ जो है वो भी साथ उसने दे दी है सोलह सेंटीमीटर वो दे दी हुई है अब फाइंड दो चीज़ें करने के लिए कह रहा है कि वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड इमेज कहाँ पे बनेगी तो जाहिर है इमेज का जो फासला होता है वो क्यों होता है वो हमें मालूम करना है और हाउ हाई इज इट कि वो जो इमेज है वो कितनी ऊंची है तो इमेज की हाइट एच वन अब देखना वही पाँचों चीज़ें आई हैं जो मैंने आपको शुरू में समझ बताई हैं तो बहरहाल वही फार्मूला जो हमने 12.1 में लगाया है दोबारा वही लिखेंगे वैल्यूज़ लगाएंगे फोकल लेंथ की वैल्यू है हमारे पास पी की वैल्यू भी है और क्यों हमें मालूम करना है तो ज़ाहिर है जिस चीज़ को फाइंड करना उसको अकेला करते हैं तो ये अमाउंट उठ के उधर चली जाएगी इधर जाएगी तो माइनस हो जानी है माइनस में लिख दें अच्छा अब यहां थोड़ा सा ये किया है कि चले वो ए, एक और मेथड है आगे वो मैंने बताया हुआ कि आप इसको पॉइंट्स में ले जाएं तो ज़्यादा ईजी होता है लेकिन चाहे यहाँ हमने एल के ज़रिए से किया है तरीका हमने यहाँ ये यह किया है कि पॉइंट को यहाँ से ख़त्म कराएंगे ना तो ऊपर टेन आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये एक सौ पाँच हो जाएगा ऊपर दस नीचे एक सौ पाँच अब आप इनका जवाफ़ कर ले सकते हैं एल तो सिक्सटीन और एक सौ पाँच नीचे चला गया ठीक है 16 से 16 कटा 105 आ गया 105 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 105 सौ जो मैंने आपको एलसीएम का मेथड बताता हूँ उस तरह से ही है ये फिर 105 105 से कटेगा तो 16 16 10 बार 160 फिर 160 में से 105 माइनस करें तो माइनस पचपन ठीक है और वो क्या है यहाँ इनको मल्टीप्लाई करवा लेना मैंने करवाया नहीं हुआ यहाँ मैं ऐसे ही बस लिख देता हूँ कि सिक्सटीन है और एक है देखें हमें जो कि क्यू चाहिए ना तो क्यू बटे में है तो क्यू को उल्टएँ क्योंकि क्यू सीधा होगा तो हमें पता चलेगा ना तो अगर ये उल्टे की रकम तो ये रकम भी उल्टेगी तो 16 और 105 ऊपर चला जाएगा पचपन नीचे आ जाएगा तो पचपन को हमने नीचे लिख लिया और ये दोनों ऊपर हैं अब कैलकुलेटर पे आप इन दोनों को ज़रब दिलाएं जो भी आता है उसको 55 फाइव पर डिवाइड कराएं तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा थर्टी सही है तो ये हो गया लेकिन अभी हमने ये क्यू निकाला है साथ उसने एच भी पूछा हुआ है कि वो जो इमेज बननी है उसकी हाइट कितनी है तो हाइट वाला भी एक फार्मूला है ये वाला फार्मूला एच वन ओवर एच नाट बराबर है क्यू बटा पी सही है तो अब यहां पे वैल्यूज़ लगाएं एच वन तो मालूम करना है कि इमेज की हाइट कितनी थी एच नाट सवाल में उसने दिया हुआ कि वो जो चीज़ थी हमारी उसकी उसकी वो कितनी टॉल है वो चीज़ तो तीस सेंटीमीटर उसने दी हुई है क्यू अब ने हमने अभी कैलकुलेट किया है ठीक है इसमें प्लस माइनस ना लिखें क्यू का क्योंकि यहाँ हाइट है ना तो हाइट हमेशा प्लस में ही होती है तो इसलिए यहाँ साइन माइनस का नहीं लगाते हैं ठीक है और पी की वैल्यू भी लिख लें अब वही बात है इसको इससे डिवाइड करा लें वो ये आ गया और इधर थर्टी जो है वो तकसीम हो रहा है ना डिवाइड उधर जाके उसने मल्टीप्लाई होना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दें एच वन आ जाएगा तो दोनों चीज़ें क्यू भी निकल गया और एच वन भी निकल गया आगे चलें जी ट्वेल्व पॉइंट थ्री पे आ जाते हैं ओके सो ट्वेल्व पॉइंट थ्री को पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कंकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट भी वही है ये वही है ना हाँ ठीक है कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी हाइट उत, भी उतनी है जितनी इमेज की हाइट है ओके येट इन्वर्टेड लेकिन वो इन्वर्टेड बन रही है वेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर अब यहाँ से हमें वैल्यू पता चल रही है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है 20 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होता है वो पी है ठीक है और इमेज का डिस्टेंस जो है वो क्यू होता है वो हम ट्वेंटी लिख लेंगे क्योंकि दोनों की हाइट सेम है ना अब यहाँ देखें क्यू उसने दिया नहीं हुआ सवाल में लेकिन हमने खुद से अज्यूम कर लेना है क्योंकि जितनी हाइट उस चीज़ की है उतनी ही हाइट की इमेज बन रही है तो वो तभी बनती है जब दोनों एक जितने फासले पर होते हैं ठीक है तो इसलिए जितना P है ना उतना ही हमें Q लिख लेना है कि क्यू भी बीस है और फिर उसने पूछा वट इज़ द फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ मतलब एफ हमने फाइंड करना है बात समझ आ गई सवाल में उसने सिर्फ पी दी है क्यूँ हमने खुद से लेना है क्यों कैसे लेना है क्योंकि जितनी हाइट उसकी है ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट है इमेज की है तो इसलिए दोनों एक जैसे फासले पर होते हैं तो वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बारह अब फार्मूला लिख ले वन ओवर एफ वन ओवर पी वन ओवर क्यू अगेन इस फार्मूले को रट्टा मार लेना है पी और क्यू दोनों बीस बीस हैं तो आप लिख दें दोनों बीस बीस और यहाँ एल्शियम लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं वो भी एक बटा बीस है वो भी एक बटा बीस है, है तो दोनों प्लस हो के दो बटा बीस हो जाएंगी एक और एक प्लस हो जाएगा ना उसका ऊपर वाला वन और वन टू तो टू ओवर ट्वेंटी कितना होता है टू से ट्वेंटी को काटें टू वन जर टू टू टेन जर तो वन ओवर टेन हो जाएगा तो वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर टेन तो फिर एफ किसके इक्वल हो दस के क्योंकि दोनों को उल्टाएँ एफ़ को भी ऊपर ले जाए दस को भी ऊपर ले जाए तो एफ का आंसर बड़े आराम से दस आ जाएगा ये छोटा सवाल था जल्दी होने वाला लेकिन यहाँ वो ट्रिक याद रखनी है कि P जितना है उतना ही Q लेना है सही हो गया अब चल रहे हैं ट्वेल्व पॉइंट फोर पे फाइंड द फोकल लेंथ अगेन फोकल लेंथ कह रहा है फाइंड करें हमने लिख लेना है ओके आफा मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर मिरर के पीछे जा बन रही है इमेज और कितनी दूर बन रही है पाँच या छः छः तो ये उसका डिस्टेंस आ गया इमेज का क्यू होता है सही है और और क्या है और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो मिरर के सामने जहाँ चीज़ रखी है वो फासला ज़ाहिर पी होता है तो बस देखें क्यू भी है हमारे पास पी भी है एफ़ हमने फाइंड करना है और Q देखें यहाँ माइनस में हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि उसने कहा है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो बिहाइंड द मिरर उसी में बनती है कन्वैक्स के अंदर तो ये आपको माइनस में क्यों लेना है ठीक है तो कन्वेक्स का और ये वही याद रखना है आपने बिहाइंड द मिरर कन्वेक्स होता है और वहाँ क्यू माइनस में लेना है अब ये क्यू माइनस में ले लिया अब आगे से इजी है काम वही लिखें वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू और पी की वैल्यू ये लिखी क्यू की वैल्यू ये लिखी अब यहाँ वो रूल मैंने इस्तेमाल किया एलसीएम किए बगैर आप कर लें इसे कैलकुलेटर में एक को तकसीम सीम कराए ना थर्टी फोर पॉइंट फोर से तो ये आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू नाइन और वन को डिवाइड कराएं फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स है तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा सीधा सीधा माइनस करा दें तो ये वैल्यू आ गई लेकिन चूंकि ये वन ओवर एफ़ है तो हमें तो एफ़ चाहिए तो फिर हमें क्या करना है कि जब इसको उल्टाना है तो फिर इस रकम को भी उल्टाना है मतलब इसको वन पे डिवाइड करा दें वन ओवर एक तकसीम ज़ीरो पॉइंट वन फोर एट ये कैलकुलेटर पर करें वन तकसीम डिवाइड जीरो पॉइंट वन फोर एट तो वो आ जाएगा आंसर सिक्स पॉइंट सेवन सेवन तो बस ठीक है आंसर आ गया जो उसने फोकल लेंथ मांगी है वो हम उसको दे देते हैं ओके okay जी 12.5 इसमें ज़रा सवाल ज़्यादा है लेकिन बहरा ट्वेल्व में है एन इमेज ऑफ अ स्टैचू अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड और साथ क्या भी रहा convex है कन्वैक्स है बिहाइंड भी है कन्वैक्स भी है तो क्यू की वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि ये इमेज की है उसने बताया हुआ कि इमेज इतनी दूर बन रही है तस्वीर तो इतनी दूर बनी है ठीक है विद फोकल लेंथ फोकल लेंथ उसने दे दिया थर्टीन पॉइंट फाइव ओके फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू टू द मिरर के स्टैचू का मिरर से वही बात पी फाइंड करना है वही चीज़ें हैं तीन चीज़ें और क्यू हमने देखे माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा कन्वैक्स मिरर है बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है जब ये बातें वो कहे तो इसका मतलब यही है कि क्यू माइनस में है बहरहाल आप लिखें वन ओवर एफ वन ओवर पी वन ओवर क्यू क्यू की जगह देखें हमने वो आप इसको हल करें क्योंकि हमें पी चाहिए ना तो वन ओवर क्यू उठ के उधर चला जाएगा उधर जाएगा एफ़ के पास तो माइनस हो जाना है वन ओवर एफ़ माइनस वन ओवर क्यू ठीक हो गया अब एफ़ और क्यू की वैल्यू लगा दें एफ़ की वैल्यू लगाई क्यू की लगाई क्यों क्यूँ चूंकि खुद माइनस का है तो फिर वो दो माइनसेस मिलकर प्लस हो जाना है ठीक है क्योंकि क्यूँ खुद भी माइनस का है ना ठीक है तो वो दो माइनस प्लस हो जाएंगे अब आप इसका कर ले उसी तरह कैलकुलेटर पे करें इसको डिवाइड वन डिवाइड बाय तेरह शरिया पांच वो ये आ जाएगी वन डिवाइडेड बाय ये वो ये आ जाएगा इनको प्लस कर लें प्लस का निशान है और चूंकि वन ओवर पी है है मतलब के इसको वन ओवर करवा दें पी बराबर एक तकसीम जीरो शरिया वन सिक्स जीरो नाइन तो ये सिक्स पॉइंट टू वन आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि ये वन ओवर पी की वैल्यू है तो P के लिए उसको उल्टाना पड़ेगा आपको वन ओवर में करना पड़ेगा फिर वह आ जाएगा P सही हो गया ये आ गया 12.5 इसके बाद 12.8 है जो आपका स्मार्ट सिलेबस के सवाल है ना उनमें ओके अब देखें हैं सारे वही हैं हर एक में एफ पी क्यू यही कुछ ही है सारा हर एक दफा एक चीज कोई घुमा घुमा के करवा रहा है ओके एन ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर हाई हाई उसकी आ गई ना हाइट आ गई एच नॉट फोर क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट है इमेज की हाइट नहीं है इमेज की हाइट एच वन होती है अच्छा वो आ गई एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर वो कन्वेक्स मिरर से जो है उतने फ़ासले पर है अब ज़ाहिर है इसका क्यों भी वो माइनस में बाद में हम आंसर में लिख सकते हैं लेकिन बहरहाल उसने कहा है कि वो कन्वेक्स मिरर है अच्छा और क्या है उसकी फोकल लेंथ दे दी है आठ सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है वो हमने लिख ली कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ़ द इमेज पोजीशन का मतलब क्या है अब यहाँ उसने ये नहीं कहा कि इमेज कितनी दूर है उसने वर्ड पोजीशन यूज़ कर लिया तो मतलब फिर वही हुआ कि जहाँ लेंस है लेंस से वो कितनी दूर इमेज बन रही है ठीक है तो वो बेसिकली वही बात होगी ना क्यू क्यू निकालने और फिर साथ उसने क्या कहा हुआ है कि उसका साइज़ तो साइज़ जाहिर है वही कि कितनी बड़ी है इमेज तो मतलब क्या हुआ एच वन ठीक है तो पोजिशन क्यू है और साइज़ उसका एच वन हो जाएगा तो Q भी फाइंड करना है H1 भी फाइंड करना है कोई इशू नहीं है बड़े आराम से निकल आएगा वही फार्मूला एक बटा एफ़ एक बटा पी एक बटा क्यू चूँकि हमें Q चाहिए तो Q को अकेला कर ले, एक बटा पी को उठाएँ उधर ले जाएं उस तरफ उधर जाके P- माइनस में हो जाएगा वन ओवर एफ़ माइनस वन ओवर पी देखे मैंने लिख दिया अब एफ़ और पी की वैल्यूज़ लगा दें आठ और बारह अब चूंकि ये वो पॉइंटों वाली चीज़ें नहीं है तो आप एल्सीयम के जरिए से भी कर सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों को पॉइंटों में लेके जाएंगे तो ट्रबल आएगी आपको इसलिए इनका एल्सीयम ही लें क्योंकि इनमें पॉइंट्स नहीं है आठ और बारह का जवाफ कल चौबीस आता है आप इसको आपको पता ना ज़आाफ कल ऐसे लेते हैं ऐसे करके ऐसे तो वो आप करके देख लें वरना मैं आपको टोट के भी समझाया मैं दूसरे चैनल के ऊपर वहाँ से आप देख सकते हैं एल्सीय कैसे करते हैं जिनको नहीं आता एल्सीय वो वहाँ से देखें बर तो एट का टेबल पढ़ेंगे एट थ्री ज़ार ट्वेंटी फोर थ्री ऊपर जा गया थ्री वन ज़ार थ्री ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर टू ऊपर जाएगा टू वन जर टू तो तीन में से दो निकालें एक एक बटा चौबीस आ गया तो ये भी ओवर में है ये भी ओवर में है तो फिर क्यू इक्वल होगा चौबीस के तो क्यू की वैल्यू चौबीस आ गई डन हो गया अब हमें हाइट चाहिए तो हाइट का फार्मूला भी हमें आता हो क्योंकि इन सब में ये दो फार्मूले हैं एच वन ओवर एच नॉट बराबर क्यू ओवर पी और चूंकि हमें एच वन चाहिए एच न को उधर लेके जाना है इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई ये शक्ल बन जाएगी तो इनकी जगह पे अपनी अपनी जगह पे वैल्यूज़ लगा दें क्यू की जगह क्यू जो अभी हमने निकाला है चौबीस पी की जगह जो उसने बारह दिया हुआ है और एच नार्ड जो है वो चार दिया हुआ है तो ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे ठीक है चौबीस ओवर बारह ज़रफ़ चार और बारह दो बार चौबीस और दो चार बार उसने आठ हो जाना है बड़े आराम से ठीक है तो आप एंड में उसने ये भी पूछा हुआ है कि इमेज किस तरह की बनेगी ठीक है तो इसमें देखें वो कौन सा मिरर था ये आई थिंक वहाँ पीछे बन रहा है ना तो कन्वैक्स मिरर ही होना है तो कन्वैक्स मिरर में जो इमेज बनती है ना वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है उल्ट रियल एंड इन्वर्टेड ये याद रखना है और ये यहाँ से पता चलेगा जो आपका एच वन आया ना उससे पता चलेगा कि ये मैग्नीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा क्योंकि असल एच नॉट जो था ना पहले जो इमेज की हाई सॉरी जो ऑब्जेक्ट है चीज़ है उसकी हाइट चार है और जब आ, आ, इमेज बन रही है तस्वीर बन रही है तो वो आठ सेंटीमीटर की है तो वो बड़ी हो गई है डबल हो गई है उससे तो इसको हम फिर इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइड कि चीज़ जो है वो बड़ी हो गई है मैग्नीफाई हो गई है तो इस तरह से ये लिखना है ना ना याद रहे तो ये लाइन रट्टा मार ले इसको इस तरह से लिखते हैं ओके ट्वेल्व पॉइंट नाइन पे आ जाए ट्वेल्व पॉइंट नाइन में क्या है ओके एन ऑब्जेक्ट टेन सेंटीमीटर हाई हाइट आ गई टेन सेंटीमीटर ठीक है जी इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर पी आ गया बिल्कुल ठीक है फ्रॉम अ कंकेव लेंस यहाँ पे कनकेव है ऑफ और फोकल लेंथ उसकी जो है वो पंद्रह अब ये भी याद रखना है कनकेव आए तो फोकल लेंथ माइनस में लिखते हैं कन्वैक्स आए तो क्या होगा क्यू को माइनस में लिखना है और जब कन्केव आए तो फिर एफ़ को माइनस में लिखना है जब इनकी वैल्यूज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ फिर आगे उसने यही कहा है जी क्यू कितना होगा हाइट उसकी कितनी है और उसकी नेचर क्या है एग्जैक्ट पिछला जो सवाल है ना जो वहाँ चीज़ें निकालनी है यहाँ पे भी वही कुछ करना है सेम चीज़ ओके okay. तो फिर फार्मूला लिखेंगे वन ओवर एफ़ वन ओवर पी वन ओवर क्यू चूँकि क्यू चाहिए वन ओवर पी उधर जाएगा उधर जाके माइनस हो जाएगा ओके okay. अब इनकी वैल्यूज़ लगानी है अब चूँकि एफ़ है ही माइनस में हमारे पास माइनस पंद्रह तो एफ़ की जगह देखें हम माइनस पंद्रह ठीक है और P जो है P की वैल्यू जो है वो 20 थी तो उसकी जगह 20 लगाएंगे फार्मूले में पहले ही माइनस आ रहा है अब वही बात इसका एल्शियम लेना है पंद्रह और बीस का एल्शियम बनता है साठ ठीक है क्योंकि पंद्रह और बीस दोनों के टेबल में साठ आता है पंद्रह चार बार साठ चार एक बार चार बीस तीन बार सिक्सटी होता है तो तीन एक बार तीन हो जाएगा तो माइनस चार और माइनस तीन माइनस सात होता है माइनस सात बटा साठ माइनस सेवन ओवर सिक्सटी वन ओवर क्यू और चूंकि हमें क्यू चाहिए तो उल्टाएंगे चीज़ को सिक्सटी ऊपर चला जाएगा सेवन नीचे आ जाएगा साठ बटा साठ और इसको सेवन से डिवाइड कराएं तो सेवन से डिवाइड कराएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई क्यू की ठीक है तो क्यू के आंसर में हम उसको माइनस लिख देते हैं वरना ज़रूरत नहीं होती प्लस में लिख दे आंसर को बर और ये क्यू चूँकि आ गया अब हमें वही बात के एच वन ओवर एच नॉट पी ओवर क्यू लगा के ये फार्मूला तो यहाँ से एच वन निकाल सकते हैं जैसे पिछले सवाल में किया ट्वेल्व पॉइंट एट में तो एच नार्ड इधर आ जाएगा इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई होना इसलिए और Q और P की वैल्यूज़ लगाते हैं अब Q हमने अभी निकाला है ना 8.57 पॉइंट फाइव सेवन यहाँ साइन नहीं उसका लेके आते साथ ये याद रखें और P की वैल्यू उसने 20 दी हुई है मल्टीप्लाइड बाई 10 और 10 से ये दो जीरो जीरो काटें दो रह गया दो से इसको काटेंगे तो ये 4.28 आ जाएगी वैल्यू सही है ये सिंपल सा काम है अब देखें यहाँ वो चीज़ कम हुई है श्रिंक हुई है पहले उसकी हाइट कितनी थी दस ये देखें ठीक है अब उसकी हाइट क्या आ गई है इमेज की चार शरिया दो तो छोटी हो गई ना तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिमिनिश्ड डिमिनिशिंग कम हो जाना किसी चीज़ का और चूंकि ये कनकेव लेंस है तो इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है कन्केव के लिए ये अल्फाज याद कर हैं कनकेव के लिए वर्चुअल और इरेक्ट और जो कन्वेक्स था उसके लिए रियल और इन्वर्टेड ये थोड़ी चीज़ें डाटा मारने वाली होती है याद करनी होती हैं इनको सही है लो जी लास्ट क्वेश्चन इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं आप लोग सवाल पढ़ लीजिएगा वहाँ से फोकल लेंथ दी होगी सवाल में छः सेंटीमीटर और साथ उसने ये कहा हुआ है कि इमेज की जो हाइट है ना वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट से तीन गुना ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच वन इज़ इक्ल टू थ्री एच नॉट और कहते हैं पी फाइंड करें कि वो जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूर है यानी पी अब यहाँ यहाँ तक है बस डाटा ये हम खुद से लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ये चीज़ भी यही बता रही है ना कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के तीन गुना है तो हाइटों की वजह से उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो भी वही रिलेशन बनेगा जो उनका रिलेशन है कि क्यू क्योंकि इमेज की हाइट होती है तो इमेज का ही डिस्टेंस है ये तो एच की जगह पे क्यू और इसकी जगह पी ले लेंगे हम तो क्यू इज़ टू थ्री पी तो ये वैल्यू फिर हमें इस्तेमाल कर लेंगे आसान हो जाएगा सवाल तो फार्मूला लिखेंगे वन ओवर एफ़ वन ओवर पी वन ओवर पी क्यू और चूंकि हमें पी चाहिए तो एफ़ की वैल्यू तो है ना एफ़ की वैल्यू उसने सवाल में दी हुई है छः तो एफ़ की जगह छः लगाएं वन ओवर पी ऐसे ही लेकिन ये जो क्यू है क्यू की जगह पे थ्री पी लिख दें अब ये भी पी है ये भी थ्री पी है तो इसका उख, वो ले लें एलसीएम ले, ठीक ले, ले, है थ्री पी बढ़ा है थ्री पी एल्शियम आ जाएगा पी से पी कटा थ्री रह गया थ्री वन सर थ्री और थ्री पी थ्री पी सारा ही कट गया तो ऊपर वाली वन आ गई और तीन में से एक निकालें तो दो ठीक हो गया अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले थ्री पी वन जार थ्री पी और सिक्स टू जर ट्वेल्व सिक्स टू ज़र ट्वेल्व आ गया थ्री पी वन जार थ्री पी आ गया और थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा तो थ्री जाके बारह को डिवाइड करेगा तो अल्टीमेटली चार आंसर आ जाएगा लो जी आज हमने कर लिया जी बीस बाईस मिनटों के अंदर अंदर हमने ये काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं तो चले बहरहाल करे इससे तैयार ये थोड़ा सा ना ये मुश्किल है ये वाला चैप्टर तो लेकिन ये है कि आसानी इसमें ये है कि फार्मूले दोनों वही हैं जो बार बार एक ही फार्मूला बार बार हर एक में आ रहा है तो फार्मूलों को अगर थोड़ा सा रट्टा मार लें कनकेव कन्वैक्स का याद रख लें और क्यू और उसकी जो वैल्यू है एफ़ की उसको देख लें कि कब उसमें माइनस होना है तो ये दो तीन चीज़ें